नमस्कार, मैं हूं अंशली तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है, हैशटैग राम मंदिर घोटाला। वहीं पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बीते रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी। सिंह ने लखनऊ में दावा किया था कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमती की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने कहा था कि यह सीधे सीधे धन शोधन का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। वहीं समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे एवं अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी अयोध्या में राय पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाए और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। चंपत राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस तरह के आरोपों से नहीं डरते तथा इन आरोपों का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।